जब अंदर की बीमारियां जाएंगी बाहर चंगाई में आएगी। जो कुछ तुम्हारे अंदर है वही बाहर निकलेगा। आज मांगो प्रभु मेरे अंदर की बीमारियों को चंगा कर, मेरे हृदय की बीमारियों को जिसमें असाध्य रोग लगाए मेरे मन के अंदर उसे चंगा कर। हम जानते हैं प्रभु हम तो मिट्टी हैं प्रभु, हम में कोई सामर्थ नहीं है प्रभु खुदावन, लेकिन जो हमारे भीतर रहता है जिसका नाम पवित्र आत्मा है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। और आज वही पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया में काम करेगा, आज वही पवित्र आत्मा अपने लोगों को छुएगा। यीशु ने कहा जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर अपने समान एक सहायक तुम्हें दूंगा जो सदा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। और वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। yes, वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर जो कलीसिया को चला रहा है, जो बड़े बड़े मोजदे करता है वो पवित्र आत्मा है। उसने कहा जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वो पवित्र आत्मा कर देगा, क्योंकि वो मुझसे बाहर होके कुछ नहीं करता। यीशु ने कहा वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो आज अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपे। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अब इस दुनिया में जो कार्य कर रहा है वो है पवित्र आत्मा। अब जो इस संसार में आज हमारे बीच में जो कुछ कार्य हो रहे हैं वो पवित्र आत्मा करता है। याद रखे वो पवित्र आत्मा आज चाहता है कि आप अपने हृदय को खोलें, अपने हृदय को साफ करें हर बुराई से, हर क्रोध से, कड़वाहट से अपने मन को साफ करें, अपने मन को आज पवित्र आत्मा को नियंत्रण दे, अपने मन का, अपने जीवन का। वो आपके अंदर हर अविश्वास, डर का आत्मा, संदेह का आत्मा निकालें और आपको बड़े विश्वास से भरें। वही पवित्र आत्मा जिसने लाजर को जिंदा किया, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा जो आज जिसने यीशु ने जिसको भेजा इस संसार में कलीसिया में, वो हमारे बीच में है और वो उत्सुक है आज बड़े कामों को करने के लिए, वो उत्सुक है आपको छुड़ाने के लिए। वो आपके मनों को हाल जानता है। अभी इसी समय अपने मन का नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में दे। बाइबल कहती है यीशु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यही ठहरे रहना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बड़े बड़े कामों को करोगे उसकी सामर्थ से। आइए मांगे इस समय प्रभु मेरे मन को पवित्र कर। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक शारीरिक व्यक्ति कभी पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। एक शरीर की अभिलाषाओं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका के घमंड करने वाला व्यक्ति पिता के प्रेम से बहुत दूर है। इसलिए आज अपने आप को दीन करें, बोलो परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग लॉर्ड, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं खुदा। मैं एक मिट्टी का बर्तन हूं प्रभु, आज अपनी सामर्थ को उड़ेल, अपनी महिमा को मुड़ेल प्रभु इस बर्तन में।
हर एक जन आज, मैंने बोला आज जो पवित्र आत्मा जो कार्य इस कलीसिया में करने जा रहा है वो अद्भुत होंगे, वो आपके सोचने से परे होंगे, वो आपकी सामर्थ से परे हैं। इसीलिए अपना नियंत्रण, पवित्र आत्मा तब काम करता जब अपने जीवन का नियंत्रण आप उसे देते हैं। वो जबरदस्ती किसी की लाइफ में नहीं आता, वो जबरदस्ती एंटर नहीं करेगा आपकी लाइफ में जब तक आप अपने जीवन का नियंत्रण उसे ना दें। अभी इसी समय कहो परमेश्वर, बोलो पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज मैं अपनी लाइफ का नियंत्रण आपको देती हूँ, लाइफ का नियंत्रण आपको देता हूँ प्रभु, आपको देता हूँ प्रभु। मांगो 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 परमेश्वर से, प्रभु तू जानता है मेरे जीवन को, मेरे जीवन को, मेरे हार्ट को, मेरे हार्ट को, मेरी बीमारियों को, बीमारियों को। आज मैं चाहता हूँ प्रभु, चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, मेरे जीवन में कार्य, मेरे जीवन में कार्य करे, मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर, परमेश्वर मेरे टूटे हुए जीवन को मैं तुझे देता हूँ, जीवन को मैं आपको देता हूँ परमेश्वर, परमेश्वर मेरी बीमारी को मैं आपको देता हूँ प्रभु, बीमारियों को आपको देता हूँ। आज होने दे प्रभु, तेरा आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, आत्मा मेरे जीवन में, क्योंकि प्रभु आप जानता था कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक ये निर्बल लोग सामर्थ्य नहीं बनेंगे, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम गलत अगुवाई में चले जाओगे, वो जानता था, वो जानता था, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा, उसने पवित्र आत्मा को भेजा। आज वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और हम इस कलीसिया का नियंत्रण उसे देते हैं। बोलो बोलो पवित्र आत्मा आ मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा मैं आपको पुकारता हूँ, पुकारती हूँ प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे अपनी भरपूरी से भरपूर कर, मुझे अपनी भरपूरी से परिपूर्ण कर। मैं अपना हृदय खोलता हूँ आपके लिए, अपने हृदय को खोलती हूँ आपके लिए प्रभु, मेरे जीवन में आ, मैं अपने लाइफ का पूरा नियंत्रण, अपनी बॉडी का पूरा नियंत्रण, अपनी आत्मा का पूरा नियंत्रण, अपने मन का पूरा नियंत्रण आपके हाथों में देता हूँ पवित्र आत्मा। हाँ मुझ में समा जा, हो प्रभु मेरी लाइफ का होल्ड तेरे हाथों में देता हूँ, मेरे परिवार का होल्ड तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। हो प्रभु इसी समय कार्य करने दे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, करने दे आज वो मस्ता, वो सामर्थ उड़ेलने दे। ओ प्रभु होली स्पिरिट हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपना कार्य कर, हमें बना। बाइबल कहती है जब उत्पत्ति में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं, पिता ने बोला, वो वचन गया और पवित्र आत्मा ने बनाया। मैंने बोला इस समय आज वही त्रिएकता का परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। मैं बोल रही हूँ एक बड़ी उपस्थिति होली स्पिरिट की आज इस कलीसिया में उतरने जा रही है। अभी 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 कोई इधर उधर मत देखो, छोड़ दो, अपनी आंखें बंद करो और कहो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण मुझ में ले ले, नियंत्रण मुझ में ले ले। बुलाओ 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 बुलाओ, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ पुकारो पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा मुझे बना, आत्मा मुझे बना, मुझे बना पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे बना। हो जैसे तूने आदम को बनाया था आज एक बार फिर से मुझे बना। हो प्रभु मैं जो बिगड़ चुका था, मैं जो पाप में गिर चुका था, मुझ में बहुत सारी कमियां और घटियां प्रभु, मुझे बना पवित्र आत्मा, एक बार फिर मुझे बना पवित्र आत्मा। होली पवित्र आत्मा, हो पिता के सब रूप में मुझे बना प्रभु, मेरा सब भाव पवित्र आत्मा पिता जैसा बना, मेरा रूप पिता जैसा बना, मेरी मेरी आदतें उस परम पिता जैसी बना, मेरे पिता जैसे मुझे सिद्ध कर पवित्र आत्मा।
आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ होली स्पिरिट, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तोड़ पवित्र आत्मा, मुझे तोड़, मुझे ढाल होली स्पिरिट, मुझे ढाल, मुझे ढाल, मुझे बना पवित्र आत्मा, मेरे पिता जैसे मुझे बना, होली स्पिरिट को अनुमति दे आज कार्य करने की, अपने हृदय को दो दो उसको, अपनी लाइफ का नियंत्रण दे दो उसको। होली स्पिरिट आज वो बनाएगा आपको, वो ढालेगा आपको, वो परिपूर्ण करेगा, आप में कोई बात की घटी ना रहेगी अगर आज आप उसको अपना नियंत्रण दे रहे। वो जानता था मनुष्य का चलना अकेला मुश्किल है, इसलिए उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। उसको पता था बिना सामर्थ के चलना, बिना अगुवाई के चलना मुश्किल है, उससे कहा पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हें सामर्थ देगा, वो तुम्हें वो करने की सामर्थ देगा जो पिता की इच्छा है, वो तुम्हें वो करने की सामर्थ देगा जो प्रभु की विल है। अभी 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 अपना नियंत्रण दो उसके हाथों में। री बसंदर रे बेरे ओ रमांदलवा सेंदरे रींदले वेंदरे बे शिंदर बसंदर रबर 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 री बसंदर रबर 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 री बसंदर रे बेरे 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 बे। मैं एक बड़ी उपस्थिति को महसूस कर रही हूँ पवित्र आत्मा, मैं बड़े अभिषेक को यहाँ पे महसूस कर रही हूँ अभी इसी समय। ओ रबा सिंदर रबा से री कलमांदे रे रे बे सेंदे रे बेरे 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 बे री बा कलमांदो रबो। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में चल रहा है, वो एक एक को छूने के लिए आ रहा है। ओ रबा सिंदर रे बेरे 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 बे। वो तेरे मन का हाल जानता है, वो तेरे टूटापन जानता, तेरी बीमारी को जानता, वो तेरे अंदर विश्वास और नम्रता चाहता है, वो पश्चाताप चाहता है तेरे अंदर। प्रभा सांदा रे बेरे 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 होली 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 होली। मैंने बोला आज वो होगा जो तुम्हारी समझ से भरे है, वो छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है, वो अपनी कलीसिया में चल रहा है, वो तुम्हें देख रहा है। ओ उसे विश्वास दिखे, उसे पश्चाताप दिखे। ओ रबा सांदर रे बेरे 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 बे री मंदर रबा सेंदर रे बेरे 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 बे ओ री बा सांदर रे बेरे 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 बे री मंदर लमांदर रे बेरे सेंदर रे बेरे बेरे बे री बा कलमांदो रबो सोंदरो री मंदर लमांदर रे शिंदर रबा सांदर ले बेसे री बा सांदर रबा लबा से ओ री बा 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 बेरे री मंदर लमांदर रे शिंद्री हमांदर बर 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 री संदर मांदर रे बेरे 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 बे री बल्ला बस सोंदो रे बेरे बेरे बे। जब तक आप उसको अपने हृदय के कमरे में आने नहीं दोगे वो नहीं आएगा। अब जहां उसको अनुमति दोगे वो वहीं पर आएगा, जिस क्षेत्र में आप अनुमति दोगे वो वहीं पर आएगा। आज अपने जीवन के संपूर्ण जीवन के अपने हृदय के हर कमरे में आने का अनुमति पवित्र आत्मा को दे। ओ री बाबा सांदर री मांदर बसते ने रे बेरे बेरे री कोलमोल तो रबो सिंदर बाबा। आज हीलिंग पवित्र आत्मा करेगा,
आज पवित्र आत्मा लोगों को चंगा करेगा और हीलिंग अभी से शुरू हो जाती है। अभी से चंगाई शुरू हो चुकी है। मैंने बोला अभी से वो चंगाई शुरू हो चुकी है। आज इटर्नल, आज अपने हृदय की चंगाई मांगो प्रभु से, केवल शरीर की मांगो, मांगो मन की चंगाई जिसमें से बुराई जाती नहीं, जो बार बार वही पाप में गिरता है, वो मन जो बार बार आपको भटकाता है प्रभु से दूर करता है, आज मन की चंगाई प्रभु से मांगो, मांगो 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 मांगो। अपने दुष्ट स्वभाव को प्रभु से कहो आज बदल दे प्रभु, रिप्लेस करते अपने साथ परमेश्वर, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव प्रभु, सच्चा पश्चाताप मेरे हृदय में दे दे पवित्र आत्मा, सच्चा पश्चाताप प्रभु, भटकने की आदत प्रभु मुझसे दूर कर दे प्रभु। प्रभु ने कहा इज़राइल के बार बार भटकने की आदत को मैं उससे दूर कर दूंगा। आज प्रभु से कहे प्रभु बार बार भटकने की आदत, बार बार उसी पाप में गिरने की आदत मुझसे दूर कर दे प्रभु, मुझसे दूर कर दे प्रभु। सच्चा पश्चाताप आपके जीवन में आज एंटर करे पवित्र आत्मा के द्वारा। बार बार प्रभु के वचन को तोड़ना, बार बार परमेश्वर को परखना, प्रभु मेरी आदतें दूर कर दे, मेरी दुष्ट आदतें दूर कर दे प्रभु, मेरा दुष्ट स्वभाव दूर कर दे प्रभु, मुझे पवित्र बना जैसे तू पवित्र, मुझे पवित्र बना जैसे तू पवित्र। होने दो, होली स्पिरिट कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है तुम्हारे जीवन में आज, वो बना रहा है आज तुम्हें नया, वो तुम्हें नया बना रहा है, वो प्रभु के प्रेम से उसकी संगति से भरने के लिए उसके लायक तुम्हें बना रहा है। ओ जीसस, जब तुम पवित्र आत्मा से भरे होते हो फिर तुम बदले की भावना नहीं रखते, जब तुम पवित्र आत्मा से भरे होते हो तुम्हारे हृदय में क्रोध नहीं रहता, जब तुम पवित्र आत्मा से भरे होते हो तुम्हारे हृदय में बुराई नहीं रहती, तुम संसार में होते पर संसार के नहीं होते, तुम्हें पता होता तुम कौन हो, तुम चुने हुए हो, तुम परमेश्वर के हो, फिर अभिलाषाएं तुम्हें तंग नहीं करती, फिर इच्छाएं तुम पे रूल नहीं करती, फिर तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हें चलाता है, तुम्हें पता है तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हें पता होता तुम मसीह में कौन हो। ओ जीसस, जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने गए, उन्होंने कहा सोना और चांदी तुम्हारे पास नहीं पर जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं, वो जानते थे उनके पास क्या है, वो जानते थे वो मसीह में कौन है, वो जानते थे अपने पहचान को, वो अपने अधिकार को वो जानते थे, उन्होंने कहा जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं, वो हम तुम्हें देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल। पवित्र आत्मा, वो जानते थे उसके अंदर पवित्र आत्मा है और वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, आज वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वही आत्मा आज हमें डिलीवर कर रहा है। मैंने बोला मन चंगे हो रहे हैं, आपके दुष्ट स्वभाव आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपकी ढीठ आत्माएं आपको छोड़ के जा रही, आपको बुराई छोड़ के जा रही, आज नशे छोड़ के जा रहे हैं, बार बार पाप में गिरने की आदतें आपको छोड़ के जा रही, आज से आपके हृदय मजबूत होंगे यीशु के नाम। अब समय थोड़ा है प्रभु, बना कलीसिया को, बना
अपनी कलीसिया को बना प्रभु, एक एक जन को जो यहाँ खड़ा है प्रभु, होली स्पिरिट अपनी आंखें एक एक के ऊपर लगा, एक एक जन की ओर देख होली स्पिरिट, और इनके हृदय में जो कमियां है, जो गड्डियां है प्रभु, जो बीमारियां है, जो अंदर की बीमारियां है प्रभु, उनका भी इलाज कर प्रभु, पाप की बीमारी का इलाज कर प्रभु, आज इनका बार बार उसी पाप में गिरने का इलाज कर प्रभु, जो आज पाप की बीमारियां आपके मन में लगी हुई, आपके शरीर में लगी हुई, वो पाप करने का स्वभाव, वो पाप की बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के नाम से, वो मन का वो ढीठ आत्माएं आपको छोड़ के जाए यीशु के नाम से, प्रभु आपको कोमल स्वभाव दे, आपको नम्र स्वभाव दे, सच्चा पश्चाताप आपके हृदय में आज एंटर हो पवित्र आत्मा के द्वारा, आज पवित्र आत्मा को कार्य करने दो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, ओ रबा संदर रबा सेंदे रे बेरे री मांदल मांदे रे बेरे 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 री बस संदर रकल मांदो रोबो री बस संदर रे बेरे 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 प्रभु कहता है शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड जिसके जीवन में है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। एक विश्वासी व्यक्ति मसीह के प्रेम से और पवित्र आत्मा से भरा होता है, वो हर अभिलाषा से आजाद होता है। अभी भी वो अभिलाषाएं अगर तुम्हारे अंदर लड़ती और भिड़ती है और तुम्हें बार बार पाप में गिरती है, आज प्रभु को दे दो अपने आप को, दे दो अपने आप को, प्रभु मेरे भीतर की बीमारी का इलाज कर, मेरे पाप की बीमारी का इलाज कर प्रभु, मेरे बुरे स्वभाव को प्रभु निकाल दे। प्रेर करो आंसुओं के साथ, चीखते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रभु से मांगो मदद, होली स्पिरिट हमारे बीच में आपकी मदद करने के लिए। आप जानते हैं बहुत सारी रास्ते खुले नहीं क्योंकि रियल पश्चाताप नहीं किया, बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया क्योंकि माफ नहीं किया अभी तक, अभी भी कड़वाहट की बीमारी लेके घूम रहे, क्रोध की बीमारी लेके घूम रहे, बुरा मानने की बीमारियां लेके घूम रहे, ईर्ष्या की बीमारी लेके घूम रहे। जब अंदर की बीमारियां जाएंगी बाहर चंगाई में आएगी, जो कुछ तुम्हारे अंदर है वही बाहर निकलेगा। आज मांगो प्रभु मेरे अंदर की बीमारियों को चंगा कर, मेरे हृदय की बीमारियों को जिसमें असाध्य रोग लगाए मेरे मन के अंदर उसे चंगा कर। बाइबल में लिखा है मन के अंदर एक असाध्य रोग लगा है, आज कहे प्रभु मेरे उस मन को नया कर दे, मेरे मन को नया कर दे, पाप का स्वभाव जाता रहे। रिमांदर रबा सुन दो, प्रे करो प्रे करो प्रे करो प्रे करो, प्रभु आज आपको इटर्नल हीलिंग दे रहा है, आमेन। आपको अंदर की हीलिंग प्रभु अभी दे रहा है, आमेन। अगर अंदर की हीलिंग हुई बाहर की हीलिंग कोई रोक नहीं सकता, आमेन आमेन। रबा सांदर रे बेरे 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 बे, रिमांदर रबा सुन दो रे बेरे 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 बे, रिबा सांदर रबा सेन दे रे बेरे 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 बे, री सांदर लमान दे रे बेरे 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 बे, री खोलो बो सुन दो रे बेरे 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 बे। हर संदेह की आत्मा जाए प्रभु, हर डर का आत्मा जाए प्रभु, आमेन। ओ रबा सांदर रे बेरे 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 बे, ओ रमांदर रबा सेन दे रे बे। अविश्वास जो तेरे वचन के प्रति है प्रभु वो जाए, रीबांदर रबा सोन दो रे बेरे बे, मुझे नया बना प्रभु, बोलो मुझे नया कर प्रभु, नया कर प्रभु, मुझे नया कर, नया कर प्रभु। रीबा सांदर रबा सेन दे रे बे, रीबा खला मांदो रबो, मेरे अंदर संसार की बुद्धि नहीं चाहिए प्रभु, मुझे
मुझे आपकी बुद्धि और समझ चाहिए प्रभु, मुझे संसार का ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है प्रभु, मुझे स्वर्ग का ज्ञान, मेरे पिता का ज्ञान आए मेरे अंदर, मेरे पिता का ज्ञान मेरे अंदर आए, मेरे पिता की बुद्धि और समझ मेरे अंदर आए, मेरे पिता का भय मेरे अंदर आए। मांगो 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 प्रभु से। आपको विजयी होना है उस क्षेत्र में जहां शैतान आपको हराना चाहता है, आपको विजयी होना है उन क्षेत्रों में जहां शैतान आपको गिराना चाहता है। आमीन। प्रभु ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के जल में से पीने को दूंगा, जो जय पाएगा मैं स्वर्ग में जीवन के पेड़ से उसे फल खाने को दूंगा, जो जय पाएगा वो मेरे स्वर्ग राज्य में खंभा होगा, जो जय पाएगा वो सदा मेरी हजूरी में रहेगा, जो जय पाएगा वही स्वर्ग में आएगा। जय जय जय। प्रभु ने आपको विजयी होने के लिए बनाया है। आज अपने उस स्वभाव पे, उस पाप की आदतों पे विजयी हो। आज आप पवित्र आत्मा के द्वारा विजयी हो गए। और अब सुंदर रेबे मैं आपके विजय की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से, आपके जयवंत की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पूरी टीम अन्य भाषाओं में प्रे करे सब लोग। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, वो छू रहा है आपको, चाह भी है। पवित्र आत्मा छूले एक एक जन को, छूले एक एक जन को, बना प्रभु, ढाल प्रभु। मैंने बोला हीलिंग इटर्नल हो रही है और वही हीलिंग बॉडी में आ रही है। मैंने बोला वही हीलिंग बाहर आएगी जो अभी अंदर चल रही है। वो क्रोध का स्वभाव प्रभु मुझसे दूर कर, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के वचन का सत्य का निर्वाह नहीं कर सकता। आज तक बहुत सारे दरवाजे खुले नहीं, क्योंकि आपने वो कुंजी पाई नहीं कहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है इटरनल थी और हम सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं। प्रभु मेरी आंखों को पवित्र कर, अपनी आंखों को, बोले बोले प्रभु मेरी इन आंखों को पवित्र कर, इन आंखों से कोई गंदगी, कोई दुष्टता, कोई व्यभिचार, कोई पाप अंदर ना जाए। प्रभु पवित्र आत्मा मेरी आंखों पे पहरा लगा दे, मेरी आंखों पे परमेश्वर पहरा लगा दे। प्रभु कोई गंदगी मेरे कानों में ना जाए, मेरे कानों पे पहरा लगा दे प्रभु। मांगो मांगो, मेरे कानों पे पहरा लगा दे प्रभु, मेरी सोचों पे पहरा लगा दे पवित्र आत्मा। मेरी सोच में भी कोई पाप, कोई दुष्टता, कोई वचन की अनाज्ञाकारिता ना आए, मेरी सोचों पे भी पहरा बिठा पवित्र आत्मा। आज मुझे अंदर से एक नया व्यक्ति बना प्रभु। मांगो मांगो मांगो, प्रभु मुझे अंदर से एक नया व्यक्ति बना। बाइबल कहती है उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए, और आज एक बार फिर पवित्र आत्मा पिता और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ने बोला, और आज से एक बार फिर पवित्र आत्मा कह रहा हूं हम मनुष्य को बनाए। वो तुम्हें बनाना चाहता है। वो कब बनाएगा? जब तुम अपने हाथ को उसके हाथों में दोगे, अपने हाथ को उसके हाथों में सौंपो। बोलो पिता मैं अपना जीवन, अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा मुझे ढाल और बना,
मुझे पिता के सब रूप में बना, मुझे महिमा में पिता की समानता में बना, मुझे पिता की तरह सिद्ध कर। पवित्र आत्मा मेरे जीवन की कमियों को दूर कर। ओरी बासांदारे दे, प्रे करो। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छू रही है राइट नाउ। पवित्र आत्मा हमारे बीच में चल रहा है आज, वो आनंदित है क्योंकि आपने उसका जीवन का नियंत्रण उसको सौंप दिया है। वो आनंदित है। ये आनंद आपके हृदय में आए। ओ रबा संदरे बे री कर रबा सेंदरे बेरे 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 रीबो को रबा संदरे बेरे बेरे रीबा खला मान दो रबो सेंदरे बेरे बेरे बे। आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओ।